अभी ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग होने को है, मतलब 4:30 बज गया है। तो अभी ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। फर्स्ट वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मिल गई। रात को 4:30 बजे का या फिर सुबह के 4:30 बजे का माहौल ये है कोलंबो के बंदर नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। फुल भीड़ है, खचाखच। यहाँ से हम पिकमी करके एक ऐप है, जैसे ओला उबर रहता है श्रीलंका में, पिकमी करके ऐप है, आप डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो पिकमी ऐप से ये देख रहे हैं कि यहाँ से 35 किलोमीटर है फोर्ट कोलंबो एयरपोर्ट से, ठीक है। तो 1200 श्रीलंकन रुपीज बता रहे हैं। हाँ जी, 1200। 1200 श्रीलंकन रुपीज बता रहा है ऑटो का, और टैक्सी का बता रहा है 1600 श्रीलंकन रुपीज, मतलब 500 रुपया होता है ऑटो का, और इसका हो गया कम से कम 650। इसलिए फिर ऑटो बुक करा है जो 9 मिनट दिखा रहा है आने को, 9 मिनट के बाद ऑटो आ जाएगा। वो तकरीबन लेगा 1 घंटा पहुँचाने में, अगर 35 किलोमीटर है, रात का रास्ता साफ रहेगा, लेकिन फिर भी 1 घंटा तो ऑटो को लगता ही है 35 किलोमीटर के लिए। तो 1 घंटे की ड्राइव रहेगी, 6 बजे के आसपास हॉस्टल पहुँचेंगे। मैंने अर्ली चेक इन का मेल डाल दिया था 8 बजे का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगा चेक इन मेरे हिसाब से। गुड मॉर्निंग गाइज, और मैं पहुँच गया अपने हॉस्टल। मतलब अगर कल रात का सीन या फिर अर्ली मॉर्निंग का सीन आपको पता है, तो 4:30 बजे हम एयरपोर्ट से निकले, फिर पिकअप करके उसमें पिकमी, राइट, पिकमी ऐप से हमने वो यहाँ आए अपने C1 हॉस्टल फोर्ट कोलंबो में, और यहाँ पे सो गए, बिकॉज जाहिर सी बात है अर्ली चेक इन थोड़ा पंगा रहता है, हर एक में पॉसिबल नहीं रहता है, बट यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सुविधा अच्छा था, जिसकी वजह से हमने सो लिए थे। और अब बज रहे हैं 10, और देखो जैसे ही उठा मैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुआ, और मुझे मिल गए तमिल ट्रैकर भाई, भुवानी भाई, कैसे हो? जैसे साउथ इंडिया में रहता है ना सुपरस्टार रजनीकांत, से उस हिसाब से ये भाई यूट्यूबर है। नहीं, इनके बहुत फेमस है, इनका चैनल बहुत फेमस है, डू वॉच इट, सपोर्ट हिम गाइस, ही डूइंग ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग, सपोर्ट हिम, डू सपोर्ट एंड गिव हिम योर। ट्रैवल कम्युनिटी के लोग मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं जैसे ही अंदर अभी फॉर्म वॉर्म भर रहा था, बिकॉज थोड़ा अर्ली चेकिंग, मतलब 10 बजे भी अर्ली चेकिंग होता है, तो वो थोड़ा मिल ही रहा था, तो मैंने देखा कि ये भाई साहब आ रहे, मतलब अरे पहचान जाते ना, क्योंकि दोस्त ही है ये, सोशल मीडिया में फ्रेंड्स रहते तो पहचान जाते, और जिनका वर्क अच्छा रहता है, जिनका काम अच्छा रहता है, उनकी शक्लें आपको याद रहती है। तो रूम हो रहा है रेडी, 5 मिनट में मिल जाएगा, तब तक हो रही है कॉफ़ी की तैयारी। और ये देख लो तमिल ट्रैकर यूट्यूब, ठीक है यार, मेरे को भी ऐसा बनाना चाहिए, बनाओ क्या मैं भी ऐसा टी शर्ट, अच्छा तो लगता है। ठीक है, तो हम पहले तो है ना ऊपर जाके अपने रूम में सेटल हो जाते हैं। मेरे पास ऐसा बैग वैग लटका के रखो, तो अभी जाते हैं, रूम तैयार हो गया, बेड तैयार हो गया, तो जाते हैं और बेड पे सामान रख देता हूँ और सेटल हो जाता हूँ, और रूम भी देख लेता हूँ कैसा है। 104। अच्छा बेड बढ़िया है, अच्छा बढ़िया बढ़िया। और ये क्या व्यू, अच्छा सामने ही फॉरेक्स करेंसी। घूमेंगे फिरेंगे तभी आइडिया आएगा सिटी का। तो तो बस रेडी वगैरह हो गए और भूख भी लग गई, लंच का भी टाइम हो गया है, तो हम निकले वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में लंच के लिए। सर्च किया मैंने गूगल मैप्स पे, तो काफी सारे ऑप्शन मिले, तो 800 मीटर की दूरी पे मिला है गोल्डन लीफ, तो हम सब वही जा रहे हैं लंच करने के लिए बेसिकली। हमने मंगाई है राइस प्लेट और एकदम ऑथेंटिक तरीके से आई है, लेट्स सी अभी टेस्ट में भी बढ़िया हो, ऑथेंटिक हो, मजा हो। तो ये रसम आया है, ये कुछ वो स्वीट रहता है, और ये चास मंगाई थी, तो 3 चास मंगाई थी, तो 2 तो ग्लास में आ गई, इसके पास ग्लास खत्म हो गई, तो कप में दे दिया, 2 कप में डाल के दे दिया फिर चास। भी लेगा थोड़ा सांबर, थैंक यू। पूरे कोलंबो में इस वक्त लाइट नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरा दिख रहा है। एंजॉयड द मील? वेरी गुड मील, वेरी गुड मील। बिल पता है कितना आया? 880 श्रीलंकन रुपीज, यानी कि होता है 325 इंडियन रुपीज, या 330 कह लो। 3 लोगों के बीच में अच्छा खासा राइस प्लेट, अच्छा भरपेट लंच,
₹330 सही है यार। तो भुवानी भाई चले गए बैक टू हॉस्टल बिकॉज उनको एडिट करना है। वो ऐसे भी कोलंबो कल पहुंचे थे तो कल उन्होंने घूम लिया अच्छा खासा, हम तो आज पहुंचे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हम घूम लेते हैं मैं और तपीश भाई कोलंबो, फिर शाम में वापस मिलेंगे और कहीं जाएंगे आउटिंग्स नाइट लाइफ वगैरह साथ में एंजॉय करेंगे। खैर बट अभी फिलहाल मैं और तपीश भाई एक्सप्लोर करेंगे कोलंबो। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये है रेड मॉस जो कि बहुत फेमस है कोलंबो में, और इसमें दो गेट्स होते हैं, एक प्रेयर्स करने के लिए जो लोग मतलब प्रेयर्स करते हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को ही अलाउड है, और एक ये विजिटर्स के लिए है फॉर विजिटर्स ओनली गेट नंबर 3। बट ये है बंद बिकॉज ऑफ कोविड, टेम्पररी क्लोज्ड है। विजिटर्स पहले तो अंदर जा भी सकते थे, ऊपर जा भी सकते थे, ऊपर से भी नज़ारे देख सकते थे, लेकिन अभी बस लोटस टावर जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, बहुत लंबी बहुत बड़ी है टावर, और सन उस साइड है इसकी वजह से इधर मैं अच्छा दिखूंगा, लेकिन ऐसा करूंगा ना बहुत बेकार दिखूंगा। खैर एनीवेज मैं ये कह रहा था कि हमने जो मार्केट था वहाँ से रिक्शा पकड़ा, 120 श्रीलंकन रुपये यानी कि 45 इंडियन करेंसी में होता है, वो रिक्शा करके हम आ गए। 10 मिनट की राइड थी, हम पहुंच गए लोटस टावर। अभी इसका एंट्री का वगैरह क्या सीन है, कोविड के कारण क्या ऊपर अलाउड करेंगे जाना नहीं करेंगे मेरे को कुछ नहीं पता, एक बार यहाँ पे सब पूछ लेता हूँ उसके बाद देखते हैं। अगर नहीं भी रहेगा तो जैसे रेड स्क्वायर ये रेड मॉस का सीन था वैसे ही सीन होगा कि बाहर से ये देख लो भाई, और तो क्या ही कर सकते हैं भाई, है ना। एंट्री टाइमिंग स्टिल नॉट ओपन फॉर टूरिस्ट, हाँ व्हेन गोना बी ओपन, वर्क इज गोइंग ऑन ड्यू टू कोविड इट्स क्लोज, नो 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 बोल रहे हैं कि चाइनीज लोग का कुछ काम चल रहा है, पता नहीं हर जगह क्या घुसना है इनको समझ में नहीं आता है। This is not open at all. Not open at all. After how tall is it? How tall is it? About 355 feet. मस्त जगह पे आए, जो भी आए बहुत अच्छी जगह है बताता हूँ। सो दिस इज फ्लोटिंग मार्केट काइंड ऑफ थिंग, थाईलैंड वगैरह में है, वियतनाम में भी मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तो मिल जाती है, श्रीलंका में ये है, कोलंबो में पेटा फ्लोटिंग मार्केट, जो कि वो रौनक और वो चमक दमक तो नहीं है बिकॉज टूरिस्टी मॉल है नहीं, वरना टूरिस्टी मॉल होता तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे जो बोट्स वगैरह ऐसी खाली पड़ी है उसके बदले वो खाली नहीं होती, अंदर वेंडर्स होते सेलर्स होते जो यू नो कुछ खाने की चीज़ें स्ट्रीट फूड वगैरह या फिर कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह बेचते, यहाँ पे टूरिस्ट भरे रहते लाइंस वगैरह, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं बिकॉज टूरिस्टी माहौल नहीं है, सिचुएशन वैसी है, दुनिया भर में पंगे है, नए नए वायरस आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, नामकरण हो जाते हैं, बहुत कुछ है।
Socks, socks, okay? Socks, okay. कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है ना। इस वक्त मैं हूँ गंगा रमैया टेम्पल, आप अगर गूगल में डालोगे तो देख पाओगे कि गंगा रमैया टेम्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन कोलंबो श्रीलंका, और आपको गूगल मैप्स में भी मिल जाएगा। हमने ऑटो पकड़ के पिक मी ऐप से 160 रुपीज़ लगा श्रीलंकन रुपीज़ और यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे एंट्री फीस लगती है पर पर्सन 400 श्रीलंकन रुपीज़, या फिर इंडियन करेंसी में कह सकते हो 150 रुपीज़। इसमें आपको ये टेम्पल भी एक्सप्लोर करने मिलता है और एक लेक वाला टेम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोलंबो के नज़र से, श्रीलंका के नज़र से, तो वहाँ भी हम जाएंगे। पहले ये टेम्पल एक्सप्लोर करते हैं, आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लेक वाला टेम्पल भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जो गंगा रमैया टेम्पल है, बेसिकली ये भी गंगा रमैया लेक टेम्पल इसको बोलते हैं, सिर्फ 4 मिनट बाय वॉक है और यहाँ पे भी खूबसूरत से नज़ारे आपको दिखेंगे। टिकट का हालांकि आपको अलग से पे नहीं करना है, वही 400 श्रीलंकन रुपीज़ में वो टिकट और ये टिकट दोनों मिलती है, तो सही है। अभी यहाँ के शॉट्स में आपको बताता हूँ कि कितनी खूबसूरत सी जगह स्टार्टिंग में लग रही है, अभी देखते हैं आगे जाके क्या दिखता है। अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट नज़ारे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, यू नो, और फिर भगवान आपके करीब इतने, लेक, मतलब सारी चीज़ें हैं, क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिविटी, फुल पॉजिटिविटी। यहाँ पे आप आधा घंटा आराम से, छोटी सी जगह है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, इतना ही मतलब फ्रेम में पूरा आ सकता है, इतनी ही जगह है, लेकिन आप आधा घंटा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो एकदम पॉजिटिव वाइब्स के साथ, सुकून, पीस के साथ, बिकॉज जगह ही इतनी सुहावनी है। तो यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि अंत भला तो सब भला, आई मीन लोटस टावर बंद था, फिर वो फ्लोटिंग मार्केट में इतना वाइब्स नहीं था सब बंद के कारण वैसा, बट यहाँ जब गंगा रमैया टेम्पल आए तो वो भी टेम्पल अच्छा था, और ये जो लेक के ऊपर है वो भी बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए कह रहा हूँ वापस, अंत भला तो सब भला।